हेलो एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हिमानी भारती एंड आई एम अ प्राइमरी टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो जैसे कि आप जानते हैं, केवीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जिसमें हमारी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। तो जैसे कि अभी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर चल ही रहा है, आपके इंटरव्यूज आने वाले हैं, पीआरटी की भी लिस्ट कुछ दिनों में आ जाएगी और इंटरव्यूज का पता चल जाएगा। और आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन रहता है कि अब हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। और हमें ये भी डर रहता है कि मेरी पोस्टिंग हार्ट स्टेशन पे ना हो जाए या नॉर्थ ईस्ट रीजन पे ना हो जाए। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हार्ट स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो जाती है तो आप बहुत लक्की हैं। वो कैसे, वो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देकर ही शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से और मेरी जो ज्वाइनिंग है वो है अक्टूबर 2017 की। तो जैसे कि मेरी सिलेक्शन लिस्ट आई तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि अब मेरी ज्वाइनिंग कहाँ आएगी। तो फिर ज्वाइनिंग की लिस्ट आनी स्टार्ट हुई तो मेरी जो पोस्टिंग हुई वो हुई इन तिनसुकिया रीजन असम में, जो कि है असम में नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये सोचकर मुझे बहुत डर लगा, दिल्ली से असम आप समझ सकते हो कितनी दूर पोस्टिंग है। लेकिन जब मैंने सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट विद फैमिली सपोर्ट मैंने सोचा एक बार मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर जब मैं अपने ज्वाइन किया तो हमें जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में वो ज्यादा पता नहीं होते। वो हमें तभी पता चलते हैं जब हम उस इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं। तो जैसे फिर मुझे पता धीरे धीरे पता चला केवीएस ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, और मैंने जाना कि केवीएस में जब ट्रांसफर होता है तो उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और हार्ट स्टेशन पे अगर हमारा टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पोस्टिंग है वो हमारे होम टाउन आसानी से मिल सकता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरा टेन्योर कंप्लीट हो गया और 4 साल बाद मुझे अपना होम टाउन दिल्ली वापस मिल गया, और मेरे जो बाकी के साथी थे जिन्हें या तो बैंगलोर रीजन मिला था, भोपाल रीजन मिला था, एर्नाकुलम रीजन मिला था, उन्हें अपना होम टाउन नहीं मिल पाया। तो ये मैं आपको एक चार्ट की मदद से समझाती, जो केवीएस की हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है उसकी मदद से समझाती हूँ कि हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं जब हम अपना नॉर्थ ईस्ट या फिर हार्ट स्टेशन का टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे ट्रांसफर काउंट्स कि जब हम अपना टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट हमें आपको मिलते हैं वो है जब हम अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा टेन्योर चलता है केवीएस में वो 30 जून से 30 जून का चलता है। तो आपका 30 जून से 30 जून तक जब एक साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको हर साल के 2 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके +2 हर साल हो जाते हैं। तो अगर आपने 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लिया तो आपको 6 पॉइंट्स आपको इस चीज़ के मिल जाते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप देखिए 7 पॉइंट में, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर 3 ईयर्स इन हार्ट स्टेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेशन एट प्रेजेंट पोस्ट ऑफ पोस्टिंग। जिसका मतलब अगर आप अपना 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं हार्ट स्टेशन पे या नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पे तो उसके आपको मिलते हैं 55 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, जो कि आपको बाकी स्टेशन पर कंप्लीट करने पर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने हार्ट स्टेशन पर या नॉर्थ ईस्ट स्टेशन पर अपने 3 साल निकाल लिए तो आपको 55 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्लस आपने जो अपने 3 साल निकाले उसके 6 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप फीमेल एम्प्लॉय हैं तो फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए आप देख सकते हैं 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो +20 हो जाएगा। और हमारी एक होती है सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं अपार। अपार क्या होती है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें हमारे जो परफॉर्मेंस के बेस पर हम अपनी रिपोर्ट भरते हैं। और अगर हमारे उसमें 8 से पॉइंट, वो 10 में से हमें मार्क्स मिलते हैं, अगर हमें 8 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो हर साल के हमें उसमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपको तीनों साल 8 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उसमें तो आपके 6 पॉइंट्स वो जुड़ जाएंगे। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट या हार्ट स्टेशन का प्रोविज़न ही ये है, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तभी आपको 55 पॉइंट्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये प्रोविज़न और किसी रीज़न में ज्वाइन करने से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप और किसी रीज़न में ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ आपको जो आपका 3 साल का टेन्योर कंप्लीट करने के 6 पॉइंट्स मिलेंगे, और आपके अगर अपार में 8+ मार्क्स आते हैं तो वो मिलेंगे, और अगर आप फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में या हार्ट स्टेशन पे पोस्टिंग करने से कंपेयर करें तो आपको 55 पॉइंट्स आपके जो है उसमें कम रहेंगे।
है, अगर मैं आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आपकी जो पोस्टिंग है फर्स्ट पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट या हार्ट स्टेशन पर आती है, तो आप अपने जो आपका होम टाउन है वहां पर आसानी से आ सकते हो, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स होंगे वो बाकी जो जगह आपके, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और जगह होती है उससे 55 पॉइंट्स आपके ज्यादा रहेंगे। अगर आपके पास और कोई ग्राउंड नहीं है, स्पाउस ग्राउंड नहीं है, तो आपके 55 पॉइंट्स आपके ज्यादा रहेंगे, जिससे आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको नॉर्थ ईस्ट या हार्ट स्टेशन पर पोस्टिंग मिलती है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का अलग अलाउंस होता है, हमारा स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, उसमें आपको सैलरी में भी आपको प्रॉफिट मिलता है अराउंड 4 to 5 thousand। हमारी जो सैलरी है नॉर्थ ईस्ट और हार्ट रीजन की, वो बाकी रीजन से ज्यादा रहती है। और आप जानते हैं केवीएस के एक प्रोविजन में अंडर 40 के अंडर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उन्हें एक ना एक बार नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर हार्ट स्टेशन काटना ही होता है। तो अगर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग ही नॉर्थ ईस्ट या हार्ट स्टेशन पे हो जाएगी, तो आपको बाद में ये नहीं काटना पड़ेगा। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में या हार्ट स्टेशन पर आती है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपको वहाँ कुछ टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, जैसे मुझे भी कुछ टाइम लगा था, लेकिन मेरे फिर जो साथी थे वो सभी बहुत अच्छे थे, तो मेरे 4 साल कहाँ निकल गए मुझे भी नहीं पता चला। और 4 साल के बाद मेरी जो पोस्टिंग है वो मुझे अपने होम टाउन में वापस दिल्ली में मिल गई। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप डरे नहीं, आपकी पोस्टिंग अगर नॉर्थ ईस्ट और हार्ट स्टेशन पे आए तो आप बहुत लकी है। तो और आने पर आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल से के साथ बने रहिए।